वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे आज की हमारी रेसिपी है देगी जर्दा देगी जरदा आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी रेसिपी है इसकी देगी जर्दा बनाने के लिए जो मैं इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ वो ये हैं चावल तीन कप तीन कप चावल ले रही हूँ इनको भिगोया हुआ था पहले और पानी निकाल दिया चीनी दो कप दो कप चीनी है हमारी दूध दूध भी दो कप ले रही हूँ मैं यहाँ पे, दो कप दूध है ये ज़रदा अशर्फियाँ हैं ये हाफ कप हाफ कप ज़रदा अशर्फियाँ किशमिश वन टेबल स्पून वन टेबल स्पून किशमिश है बादाम वन टेबल स्पून इनको भी भिगोया हुआ था पहले और छिलका उतार लिया है कोकोनट ले रही हूँ गरी इनको इस साइज़ में बारीक बारीक काट लिया है ये टू टेबल स्पून है काजू ले रही हूँ वन टेबल स्पून जरदा जरदा कलर ले रही हूँ मैं वन टेबल स्पून अलायची ले रही हूँ चार अदद इलायची है लौंग ले रही हूँ तीन अदद लौंग है ये ऑयल ले रही हूँ आधा कप ऑयल है चलें जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यहाँ मैंने एक बर्तन में पानी रख दिया है तकरीबन ये वन के जी पानी है ये देखें ये हल्का हल्का उबलना शुरू हो गया है जब ये हल्का हल्का उबलना शुरू हो इसमें जरदा कलर डाल देंगे हम और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह हमने इसे मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुटली वगैरह ना रह जाए अच्छी तरह मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने इसे पानी देखिए उबलना शुरू हो गया अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे चावलों को आपने पहले भिगो लेना तकरीबन एक घंटा पहले आपने चावलों को ज़रूर भिगो लेना इसको अच्छी तरह हिलाएंगे हम चावलों को हमने उबालना ये देखें तकरीबन तीन हिस्सा चावलों को हमने उबालना है और एक हिस्सा कच्चा रहने देना है ठीक है तीन हिस्से हमने चावलों को उबाल लेना है ये देखिए अभी ये नहीं गले ये देखिए आप तीन हिस्सा चावल पक चुके हैं और एक हिस्सा कच्चा है पानी हम निकाल लेंगे चावलों का स्ट्रेन कर लेंगे पानी हम अच्छी तरह से या मैंने एक बर्तन बर्तन लिया इसमें हम ऑयल डालेंगे ऑयल को गर्म होने देंगे इसमें हम शामिल कर देंगे इलायची और लौंग इलायची और लौंग हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम एक मिनट के लिए बस फ्राई करेंगे इलायची और लौंग को ताकि इसका जो जायका है सारा वो निकल आए जस्ट एक मिनट हमने इनको पकाना है की खुशबू आने लग गई है बहुत अच्छी और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इलायची और लौंग की इसमें हम दूध शामिल कर देंगे अब एहतियात से दूध डालना है आपने दूध में हम चीनी शामिल करेंगे और चीनी को हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना तकरीबन तीन से चार मिनट पकाना है हमने ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से चीनी को मेल्ट करना है हमने इससे दूध में चीनी ऐड करने से लोग पहले शीरा बनाते हैं फिर दूध डालते हैं इस तरह ये होता है कि चावल हमारे बहुत नरम पकते हैं बहुत ही नरम सख्त नहीं रहते अगर हम दूध में चीनी को शामिल करके अच्छी तरह मेल्ट कर लें और यह बहुत ही आसान तरीका है शीरा बनाते वक्त किसी से शीरा ज़्यादा बन पक जाता है और किसी से कम इसलिए आप दूध में चीनी शामिल कर लें ताकि ये नरम भी रहें चावल हमारे और इसका ज़ायका भी बहुत अच्छा होता है चीनी को अच्छी तरह हमने मेल्ट करना है ये देखें चीनी मेल्ट हो रही है तकरीबन तो मेल्ट हो चुकी है एक से दो मिनट हम पकाएंगे इसको फिर हम इसमें शामिल कर देंगे गरी जिसको हमने काटा हुआ है एक बार काजू बादाम और किशमिश भी हम इसमें शामिल कर देंगे एक से दो मिनट इनको हम पकाएंगे जस्ट एक मिनट पका लें ताकि इसका जो टेस्ट है थोड़ा वो निकल आए एक से दो मिनट बस हम इसको पका लेंगे चम्मच हमने चलाते रहना क्योंकि चीनी इसमें हमने शामिल की हुई है और चम्मच हमने हलाते रहना इसमें एक से दो मिनट हो चुके हैं अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे चावल डाल देंगे हम इसमें और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको हम तकरीबन पाँच मिनट पकाएंगे ताकि ये जो दूध हमने इसमें डाला है वो थोड़ा खुश्क हो जाए पाँच से सात मिनट हम इनको पका लेंगे ये देखें दूध खुश्क हो चुका है तकरीबन जब हल्का हल्का इस तरह सिर्फ रह जाए इसमें अब हमने इनको दाम लगाना है दाम लगाने से पहले हम इसके ऊपर डालेंगे ज़रदा अशर्फ़ियाँ आप चाहें तो दाम लगाते वक्त भी इसके ऊपर बादाम सारे ड्राई फ्रूट वग़ैरह डाल सकते हैं अगर दूध में पका लें तो उसका ज़ायका ज़्यादा अच्छा होता है ज़रदा ज़रदाशर्फियाँ डालेंगे हम इसके ऊपर और चावलों को हम दम दे देंगे तकरीबन बीस मिनट हमने चावलों को दम पे रखना है बीस मिनट हो चुके हैं अब हम चावलों का दम खोल के देखेंगे ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बहुत ही मज़ेदार से चावल हमारे रेडी हुए हैं ये देखें आप और बहुत ही आसान तरीका ये देगी जरदा बनाने का बहुत ही ईजी बर्तन में निकालेंगे हम इन्हें ये देखें जी कितना प्यारा कलर है चावलों का आप भी इसको अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा मज़ेदार सा देगी जरदा हमारा रेडी है इसको आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपना बहुत सारा ख्याल रखें दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफिज़